अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय रिपब्लिक। इसकी मैंने अनस्टिच वीडियो भी शेयर की थी और इसके साथ इसको हमने स्टिच किया है लार्ज साइज पे। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, हमने इसके अंदर पहला चेंज तो ये किया है कि इसकी शर्ट की लेंथ लॉन्ग रखी है, 49 से 50 इंचेस है ये। ये वाला बॉर्डर सिल्क का ये एप्लीक हुआ है इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी। फिर ये बॉर्डर, ये एक अलग बॉर्डर है जो पिक्चर में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये मैंने अनस्टिच जब अनबॉक्स की थी वीडियो तभी बताया था कि ये थोड़ा बड़ा बॉर्डर है। अच्छा, और इसका जो है दामन पे कुछ नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये खासा प्लेन सा लग रहा था क्योंकि सिल्क है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स बॉल्स लगा दिए हैं। और इसके बाद लेंथ मैंने ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, गले का हमने ये किया कि इसका गला जो है पिक्चर में बना हुआ था यहाँ से शुरू हो रहा था और बाकी जो है वो सारा वेस्ट हो जाना था, ये सारा वेस्ट हो जाना था अगर हम बोट नेक बनाते, एक तो उससे लेंथ कम हो जाती। तो हमने इसको वेस्ट नहीं किया क्योंकि पिक्चर में देखिए इस वाली जगह से ये शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये काफ़ी तकरीबन 5-6 इंच जो है वो वेस्ट होना था, इसलिए हमने इसका ही गला बना लिया इस तरह से। और ये बीच में ऐसे ही गैप है तो ये बल्कि ज़्यादा बेटर लग रहा है कि काम वेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद स्लीव्स के एज पर ये बॉर्डर जो है ऑर्गेन्जा का ये एप्लीक हुआ है, यहाँ पर 2 कलर के लूप्स हैं और फिर इसके बीच में जो जगह थी तो वहाँ पर मैंने वही गोल्डन बॉल्स जो दामन पर लगे थे वही वाले इस पर लगा दिए। ये इसका फ्रंट हो गया और बैक का भी बिल्कुल वैसे ही एप्लिक हुआ है, एप्लिक होता है तो धागे, और बैक पे भी जो है बॉल्स लगे हैं, बिल्कुल डबल बॉर्डर, ये वाला भी एप्लिक हुआ है, ये वाला भी एप्लिक हुआ है। तो ये हो गया इसका बैक। और एक और चीज़ ये कि हमने स्लीव्स के एज पर यहाँ पर जो है वो ज़िप लगाई है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि फिटेड स्लीव्स हैं तो ये पहनने में आसानी हो जाए इस तरह से। ओके, सो ये शर्ट हो गई। फैब्रिक इसका नेट है। जिन लोगों ने अनबॉक्सिंग की वीडियोस नहीं देखी वीडियो। ओके, इसका जो है ये लहंगा, ये एक्चुअली 4 तय है, फ्लेयर इसका काफ़ी है। ये रॉ सिल्क का 5 गज का उन्होंने फैब्रिक दिया हुआ था। उसके बाद मुझे लकीली ऑर्गेन्जा की बड़ी अच्छी मैचिंग की लेस मिल गई पतली ही, तो मैंने ये इसके ऊपर लेस लगा दी और इसके अंदर जो है कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगाई जो कि इसके साथ इंक्लूड नहीं थी, तो हमने वो सेपरेट बाय की है। ये इसका लहंगा हो गया। लहंगे की लेंथ आई थिंक 41 या 42 इंचेस है। उसके बाद इसके 2 दुपट्टे हैं, एक तो है ये नेट का दुपट्टा। इसको हमने ये किया कि इसके पल्लू जो है वो एप्लिक हुए हैं, पल्लू का काम जो है वो सेपरेट दिया हुआ था, ये पूरी आउटलाइन है ये एप्लिक हुआ है, उसके बाद लॉन्ग वाली साइड बनी हुई थी। तो इस पर जो है एक पतली सी लेस लगी हुई थी और ट्रायंगल तो है ही, लेकिन मुझे ये लगी मिली डल गोल्ड में, तो ये अच्छी क्वालिटी के। एक तो इसमें आती है ट्रायंगल लेस जो नॉर्मली हम हुसैन रिहार के सूट्स पे लगाते हैं, वो थोड़ी लाइट सी होती है, ये शाइनी ग्लिटरी है और ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अंदर जो है फिर इतना ही चौड़ा पलटा, तो ये एक दुपट्टा हो गया। उसके बाद दूसरा दुपट्टे का सीन ये है कि ये जो शॉल है 2.5 गज। अच्छा जी, ये सेकंड दुपट्टा है। इसका सीन एक ये था कि इसका जो है ये काम अगर हम इसको एप्लिक करवाते तो ये दुपट्टा सिर्फ 2.25 गज का हो रहा था और जाहिर ये शॉल है, तो इसलिए हमने इसको 2.5 गज करने के लिए हमने ये किया कि थोड़ा सा गैप दे दिया इसका, क्योंकि अगर एप्लिक कराते तो थोड़ा सा ये इसके ऊपर आता और यहाँ से भी कम होता। तो मैंने सिल्वर एंड गोल्ड दोनों लेस मिल गई मुझे, तो उसी तरह सीक्वेंस की वो जॉइंट के ऊपर लगा दी और फिर इसको बॉर्डर्स को बढ़ता हुआ लगा दी, जिससे ये पूरा 2.5 गज का पूरा शॉल हो गई। उसके बाद ये इसका सिल्क का बॉर्डर है जो कि बड़ा नीटली लगा है। अच्छा, ये इनसाइड तो भी देखें कि बहुत ही ये जोड़ है लेकिन बहुत सफाई के साथ लगा है, तो ये बुरा नहीं लग रहा। और फिर उसके बाद जो है अंदर की साइड जो है वो जितनी पट्टी थी उतने ही इंच का पलटा लगाया। सो ये इसका सेकेंड दुपट्टा फिनिश हुआ। सो दैट्स इट। खासा खूबसूरत ड्रेस है और आई होप कि आप सबको स्टिच भी अच्छा लगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।